बुद्ध के अनुसार भिक्षु के व्रत क्या हैं? एक उपासक अर्थात गृहस्थ और एक श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करने होते हैं। एक भिक्षु उन शीलों को शील रूप में ग्रहण करता ही है, किंतु वह भिक्षु उन्हें अर्थात शीलों को व्रत रूप में भी ग्रहण करता है। भिक्षु को अपने व्रतों को भंग नहीं करना होता, यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दंडनीय होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से व्रत रहने का व्रत लेता है, एक भिक्षु चोरी से व्रत रहने का व्रत लेता है, एक भिक्षु किसी पराप्राकृतिक शक्ति के संबंध में सेखी न मानने का व्रत लेता है, एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या न करने का व्रत लेता है, एक भिक्षु किसी भी नियम बाह्य वस्तु को अंगीकार न करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीज़ों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 चीवर, नंबर 1 अंतर्वासक अंदर का वस्त्र, नंबर 2 उत्तरासंग ऊपर का वस्त्र, नंबर 3 संघाटी सीतादि से बचाव के लिए दोहरी चादर, नंबर 4 कमर पर लपेटने की एक पेटी, नंबर 5 भिक्षा पात्र, नंबर 6 उस्त्रा, नंबर 7 सुई धागा, नंबर 8 पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अकिंचन का व्रत लेता है, उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा मांगकर खानी होती है, उसे भिक्षाजीवी होना चाहिए, उसे एकाहारी वह विकाल भोजन व्रत होना चाहिए, जहाँ संघ के लिए विहार न हो वहाँ वृक्ष के तले भी रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की प्रत्येक आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता, अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक श्रामणेर से अवश्य रखी जाती है, उसकी अपनी मुक्ति और एक धर्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है, उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है, उसका बड़ा न किसी पराकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसी ही सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। यदि वह खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है और यदि गिरता है तो अपने से गिरता है, इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर संत्याग ही एकमात्र दंड है। नमो बुद्धाय।